वीडियो में आपको हम दूध के साथ ब्लीच करने का शानदार तरीका बताएंगे जिससे आपकी क्रीम का रिजल्ट ब्लीच का रिजल्ट जो है वो डबल हो जाएगा। सबसे पहले आपको एक पैकेट या कोई सी भी ब्लीच आप इस्तेमाल करते हैं वो ले लीजिए। मैं यहाँ पे पार्ले ब्लीच लूंगी। उसके बाद आपको ठंडा दूध चाहिए, ब्लीच का ठंडा दूध चाहे वो बॉयल हो या कच्चा हो लेकिन इसको ठंडा होना लाजमी है। अब हम ब्लीच को बनाना शुरू करते हैं। पूरे बच्चों के साथ देखिएगा कि इसको किस तरह से आपने अप्लाई करना है कि आप इसके रिजल्ट को डबल कर सकते हैं और आपको इसको टाइम कितना देना। सबसे पहले ब्लीच के साथ जो पाउडर है उसको खोल लीजिए और आपने तकरीबन आधा टी स्पून जो है वो बाउल में डालना है। ये आपके चेहरे के लिए ब्लीच बना रहे हैं और हालांकि चेहरे के लिए आपने ये लाइट इस्तेमाल करना है तो इसी से इतने पाउडर से रिजल्ट में आपको हाथों में दिखाऊंगी। तो जब आप इसे अपने हाथ में पाव से अप्लाई कर रही हूँ तो आपने पूरा पैकेट शामिल करना है, ठीक हो गया। दो टी स्पून इस पाउडर में मैं दूध के मिलाऊंगी क्योंकि बिल्कुल ठंडा है। दूध ठंडा होने की वजह से दूध की बलाई क्रीम भी इसके अंदर की है तो कोई मसला नहीं है। इससे जिनकी दिल जो है वो ब्लीच के बाद बहुत ड्राई हो जाती है उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और उनकी स्किन ड्राई हो जाएगी। दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। जब तक मैं मिक्स करती हूँ तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करती चलो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि यहाँ पे अपलोड होने वाली इंस्टेंट रिजल्ट वाली वीडियो आपको मिलती रहे और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। और पुराने दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो भी बेल आइकॉन को चेक कर लें। अगर बेल आइकॉन आपने प्रेस नहीं किया तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन जो है नहीं मिलेगा, इसीलिए आप अपनी पसंदी कर लीजिए। बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि जो पाउडर है वो इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो, ठीक हो गया। अब इसमें हमने ब्लीच क्रीम शामिल करनी है। आप अगर इसे अपने हाथों पे पाँव पे या गर्दन पे अप्लाई करें तो आप ब्लीच क्रीम के फाशे में जो पूरा मतलब पाउडर आता है वो सारा ऐड कर लीजिए हाथ और पाँव के लिए बाद में लीजिए। लेकिन चेहरे के लिए हमें लाइट पाउडर लेना होता है। चेहरे पर आपने इसको टाइम देना है 12 से 15 मिनट। और अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो ज्यादा जलन नहीं हो रही तो आप जो है वो 20 मिनट इस ब्लीच को चेहरे पर दे सकते हैं। अदरवाइज आप इसे 12 से 15 मिनट बाद वॉश कर लें। तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। आप देखेंगे कि ये बहुत ज्यादा फूलेगी नहीं और ये बहुत प्यारी क्रीम की फॉर्म में आ जाएगी जिसको अप्लाई करना बहुत ही आसान है और बहुत मतलब शानदार ये ब्लीच है क्योंकि इसमें हमने दूध शामिल किया है जो व्हाइटनिंग के लिए बहुत जबरदस्त इंग्रेडिएंट है। आप सब भी जानते होंगे बल्कि मैं सब ज्यादा जानते होंगे। अब देख लीजिए क्रीम आपकी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हमें इसे अप्लाई करना है अपने चेहरे पर। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि अगर आप इसे चेहरे पर अप्लाई करें तो 12 से 15 मिनट दीजिए। इनकेस अगर आपकी स्किन नॉर्मल है आप टाइम दे सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है तो आप इसे जो है वो 20 मिनट लगा रहने दें। मैं क्योंकि यहाँ पे अपने हाथ पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ और मैंने पाउडर भी लाइट रखा है आप लोगों को दिखाने के लिए। हालांकि मैं हाथों के लिए पूरा पैकेट इसमें मिला सकती हूँ। हाथों की और पाँव की स्किन जो है वो बहुत ज्यादा साफ नहीं होती है इस पर चेहरे की, तो इसको अच्छी तरह से अप्लाई कर लें। अप्लाई कर लेने के बाद आपने इसको छोड़ देना है जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगी। उसके बाद आपने सेंटर में और एंड पे क्या करना है वो आपको आगे चल के बता दें। वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर दिया करें क्योंकि बिल्कुल फ्री है। इसमें आपको कोई एक्सपेंसेस नहीं आते तो हमारे पास कर सकते हैं। तो क्या इसको मैं छोड़ तकरीबन 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि ये थोड़ी सी ड्राई हो गई है तो मैंने इसको फेट करना है दोबारा से ताकि इसका सारा असर जो है हमारी स्किन के अंदर आ जाए और ये जरूरी है। अच्छी तरह से इसको बेक कर लीजिए। इस बार आपने नई ब्लीच हाथ के ऊपर अप्लाई नहीं करनी। अच्छी तरह से बेक कर लेने के बाद आपने इसको टाइम देना है। अगर चेहरे पर है तो 12 से 15 मिनट या हाथ 20 मिनट और अगर आपने भी हाथ और पाँव पे अप्लाई किया तो आपने इसको 30 मिनट लास्ट में दफा भी ये काफी हद तक ड्राई हो चुके हैं और मेरे पूरे 30 मिनट हो गए इस ब्लीच को अप्लाई करते हुए अप्लाई किए हुए। तो अब इसको इस तरह से रिमूव एक तो तरीका ये इस तरह से रिमूव करें तो ये मुश्किल है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा आटा डालेंगे, खाने वाला आटा गंदम का, तो वो उसके साथ आप इसको मसाज करना ताकि तमाम ब्लीच क्रीम अच्छी तरह से इसके ऊपर से रिमूव हो जाए।
ये स्टेप भी लाजमी है, थोड़ा साटा हाथ के ऊपर या चेहरे के ऊपर डालिए और इसके जरिए से बिल्कुल हल्के हाथ से, बहुत ज्यादा रगड़ना नहीं है, हल्के हाथ के साथ आप इस फेस क्रीम को रिमूव कर दीजिए। इससे जितनी डस्ट मट्टी डेड सेल्स जो है वो आसानी के साथ निकल जाएंगे, क्योंकि फेस क्रीम बहुत मुलायम होती है। आपने वॉश करते हुए भी देखा होगा कि वो लगता है कि हाथ या चेहरे के ऊपर से ये रिमूव नहीं हुई, तो ये बेस्ट वे है। इससे ये होगा कि व्हाइटनिंग आपको बहुत जबरदस्त है। अच्छी तरह से रिमूव कर लिया है, अब मैं इसको वॉश करके आती हूँ, आपको पहले गीले हाथों पे रिजल्ट दिखाएंगे। मैं आपके सामने इसको वॉश नहीं किया, बट मैंने अपने राइट हैंड आपको दिखा दिए और आप पहले इसका करेक्ट देख लीजिए, उसके बाद मैं इसको ड्राई करके भी आपको रिजल्ट दिखाऊंगी। क्योंकि फरमाइश तो एक आध फरमाइश को इतना ज्यादा नोटिस बाकी लोग नहीं करते, लेकिन क्योंकि मेरे लिए आप सभी मायने रखते हो, आप बाल देख सकते हैं मेरे बाजुओं के हाथों के, तो इसके साथ गोल्डन हो सकते हैं, आपको हाथों के फिंगर्स पर हाथों पर भी रिजल्ट वाजे आपको नजर आ। फ्रेंड्स मेरे हैंड ड्राई हो चुके हैं, आप मेरे कुछ हाथों को आप देख लीजिए, ये आधे घंटे बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। दोनों हाथों का फर्क वाजह है, पूरे हाथ को गौर से देखिए, फिंगर्स को भी देखिए, नकल्स को देखिए, और ये लेफ्ट हैंड मेरा बिल्कुल एकदम से सॉफ्ट है, कोई ड्राइनेस नहीं है, कोई निशान नहीं है इसको, और दोनों हाथों का फर्क वाजह है, रिजल्ट आपको नजर आ गया होगा। इस क्रीम को आप जो है वो हफ्ते बाद या 10 दिन बाद दोहरा लिया करें। अगर आपकी माशाल्लाह से स्किन नॉर्मल है, टेंशन नहीं है, तो आप इससे 6 या 7 दिन के बाद दोहरा सकते हैं, ठीक हो क्या? लेकिन आप अपने हाथों पाओ की सफाई के लिए इसे हफ्ते बाद 7 दिन दोहरा लेते हैं। बॉयज इसको इसलिए अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इससे बाल गोल्डन हो जाएंगे, लिहाजा बॉयज इसको इस्तेमाल मत करें। तो अब बातें बहुत सारी होती, चलते हैं अपने आज के लिए।